अजय, काश तुम्हारी और पापा की मुलाकात अब होती तो कितना अच्छा होता। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे डैडी से मिल भी लूंगा, उनसे माफी भी मांग लूंगा, उनसे ये भी कह दूंगा दैट आई लव यू और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सब बातें तुम्हें नहीं कह पाओगी? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। अच्छा, बताओ कैसे? मैं पापा से कहूंगी कि डैडी आए। बेटा ये हमारा अच्छा, मुझे पता है पापा। वाह, डैडी का नाम सुनते ही तुम्हारी बोलती बंद हो गई, अगर वो सामने आ जाए तो? मैं खुद आपके पास आना चाहता था। सुनो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, एक बार पहले भी तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज किया था मैंने, इस बार ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। गेट लॉस्ट। गुस्से से रिश्ते बनते नहीं सर, बिगड़ जाते। रिश्ते? मेरा और आयशा का रिश्ता सर। खबरदार, मेरी बेटी का नाम लेकर तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें रातों रात शहर से गायब करवा सकता हूं। I will kill you. छोटा बोल रहा हूं, वर्मा और अजय के बीच में लफड़ा हो गया है। एक मिनट छोटा। What the hell? बोल। वर्मा ने अजय को जान से मारने की धमकी दी है, मौका सही है अजय का मैटर क्लोज कर दे, काम हम बजाएंगे, नाम वर्मा का आएगा। आखिरी बार सुन लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी बेटी के सपने देखना भूल जाओ। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुमने मेरी भोली भाली बेटी को फांसा है। फांसा है मैंने? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन मुझे इसी दिन का डर था और इसलिए मैंने आपकी बेटी को पहले से सब कुछ समझा दिया था। आयशा, कहो अपने पापा से कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आयशा, तुम होश में तो हो? डैडी, मैं भी अजय से प्यार करती हूँ। बदतमीज! वर्मा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, आयशा बेटी तो नादान है, जहर तो इस सांप में है। अंकल, इसे मैं देखता हूं। क्या बे? हाँ? बोल, बोल ना। बोलता क्यों? बोल, बोल। ओह गॉड! क्या? अरे उठो, उठो। ठीक तो हो तुम? सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। साला बच्चे ने पकड़ा मारा साइको। आजे को छोड़ दो, प्लीज। प्लीज पापा, पापा उन्हें कहिए प्लीज। वर्मा साहब, इस जानवर के मुंह नहीं लगना, चलिए चलो बेटा, चलो यहाँ से। प्लीज पापा, वो अजय को मार रहा है, मुझे छोड़ो प्लीज पापा, लेट मी गो प्लीज।
आशिक बनने का बहुत शौक है ना, वर्मा साहब की बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। सर आपसे पंडित जी मिलने आए हैं। गुड मॉर्निंग पंडित जी। मॉर्निंग। आप तो शादी करवा के 10 बजे आने वाले थे, आइए। मैं तो शादी के मंडप तक पहुंचने के पहले ही लौट आए, क्योंकि मुझे वहाँ प्रेम विवाह के लिए नहीं, व्यवस्था विवाह के लिए बुलाया था, अरेंज मैरिज। और आप तो जानते हैं मैं ठहरा प्रेम पुजारी जी। मैं सिर्फ प्रेम विवाह करवाता हूँ, onlylovemarriage.com। आपकी जिंदगी की हर अदा रंगीन और बेमिसाल है। थैंक यू। आइए बैठिए। कमाल के आदमी आप, मंडे टू सैटरडे कॉलेज प्रिंसिपल बनते हैं और संडे को पंडित आई। अभी देखो एक से घर चल जाता है और दूसरे से परंपरा भी निभा लेता हूँ। अच्छा मुझे कैसे याद किया? पंडित तुम तो जानते ही हो कि मेरी धर्मपत्नी के स्वर्गवास होने के बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों को एजुकेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। अब मैंने उन दोनों को वापस बुला लिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी आयशा तुम्हारे ही कॉलेज में दाखिल हो। वंडरफुल, आप कल ही आयशा बेटी को मेरी कॉलेज में भेज दीजिए। अरे वर्मा साहब, अरे आप आयशा की चिंता मत कीजिए, अरे हम है ना। चोपड़ा साहब आइए आइए। कैसे आप वर्मा साहब? गुड। ये हमारे सुपुत्र रमन है। आप वर्मा साहब? नमस्ते जी। नमस्ते बेटे। अरे पैरी पे ना अंकल। अभी विलायत से MBA करके आया है। Brilliant, well done. Thank you, uncle. Very well done. पंडित जी ये चोपड़ा साहब हैं, मेरे नए बिजनेस पार्टनर। नमस्ते, नमस्ते, nice meeting. नमस्ते. बैठिए प्लीज। अरे वर्मा साहब बच्चियां कहाँ हैं? गुड डे पापा। मिनी, अरे अकेली क्यों आई हो? आयशा को जाके बोलो कि प्रिंसिपल अंकल आए हैं। वाओ दीदी कॉलेज ज्वाइन करेगी, हाउ लकी। दीदी जल्दी बाहर आओ, आपके लिए गुड न्यूज है। ये छोटी बेटी मिनी। मिनी। आयशा पर पापा नॉट फेयर, मुझे भी कॉलेज ज्वाइन करना है क्योंकि मैं स्कूल में सारी लड़कियां ही हैं। क्योंकि तुम अभी छोटी हो। पर मेरा नंबर कब आएगा? आएगा बेटी आएगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी। पापा आपने याद किया? आओ आयशा, सबसे पहले मिलो रमन को, चोपड़ा साहब के बेटे। हेलो बेटा। और ये हैं प्रिंसिपल। नमस्ते। नमस्ते बेटी। कल से तुम इन्हीं के कॉलेज में जाओगी। प्लीज पापा। आयशा बेटी कोई फिकर मत करो, nowvery.com। मैं कहता हूँ तुमको बहुत मजा आएगा, यू विल रियली एंजॉय योरसेल्फ। आई प्रॉमिस यू, सिटी कॉलेज शहर का बेस्ट कॉलेज है। बेटी आओ मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलेज का कैंपस है, मानो जैसे विद्या का आश्रम। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद भी बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ते ही रहते। देखो ये दोनों कैसे दिल लगा के एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं। That's the spirit of this college boys. बेटी ये है हमारे कॉलेज का क्रिएटिव आर्ट सेक्शन, यहाँ तुम्हें एक से एक टैलेंटेड क्रिएटिव आर्टिस्ट मिलेंगे। ये देखो, isn't it beautiful? आहा कितना बढ़िया है ये। Fantastic, isn't it? Hey, शर्म, ये क्या है? What is this? ये क्या बेहुदा तस्वीर बनाई है तुमने? सर आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं? अभी तो कपड़े पहनाने बाकी है सर। कपड़े पहनाना बाकी है। राइट। जब पहना दो तो मुझे जरूर बुलाना। ओके सर। क्रिएटिविटी टेक्स टाइम, लेट हिम टेक हिज ओन टाइम, कम। और ये है हमारे कॉलेज का उपहार गृह। उपहार गृह मतलब कैंटीन। अच्छा। इस वक्त तो सारे स्टूडेंट क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, दे आर ऑल वेरी स्टूडियस। बिल्कुल खाली होगा। हाँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम कैंटीन को एक नजर देख लो।
840 टोटल स्टूडेंट्स 840 है, 420 यहाँ है, 420 क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे। अंकल जी मैं एक बात बोलूं? बोलो। आप बहुत स्वीट हो। क्यों भाई, सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हो। देखो बेटी, अनजान रहना पड़ता है जी, क्योंकि यही तो उम्र है मौज मस्ती की, यू नो, टू हैव फन, टू लव। अब अगर तुम्हारी उम्र में ये सब नहीं करेंगे तो क्या हमारी उम्र में करेंगे? हाय मिनी। हाय दीदी। दीदी जल्दी मुझे पहले बताओ कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? फैंटास्टिक। लेकिन ये बताओ कॉलेज कैसा है? कॉलेज, अभी मैं कॉलेज के बारे में क्या बताऊं? कैंटीन है, बहुत सुंदर कैंपस है, गार्डन्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। दीदी आपके कॉलेज में कोई बॉयज नहीं पढ़ते हैं क्या? ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, क्यों? तो मुझे उनके बारे में बताओ ना। पगली। आयशा बेटी, ये कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया। जी अंकल। तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी और मैं कॉलेज में नहीं रहा तो तुम सीधे आर्यंस को कांटेक्ट कर सकती हो। अंकल मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये आर्यंस कौन है? आर्यंस विकी, कॉलेज का किशन कन्हैया, सदा सदा बहार मस्त मौला, इजाज शायरी उसका शौक है, छोटू सबका दुलारा, और अजय अ फाइटर, आर्यंस की बुनियाद। ये पांचों जब अलग अलग हो ना तब तो आम स्टूडेंट्स की तरह है, लेकिन पांचों जब एकजुट हो जाते हैं तो ताकत बन जाते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यही उनका मोटो है, यही हमारे कॉलेज का मोटो है। आओ, वेरी इंटरेस्टिंग बॉयज, ये लड़कों में खास बात तो, अरे ये लो, ये है आर्यंस, ये आयशा हमारे कॉलेज की नई स्टूडेंट है। हाय। लास्ट लेक्चर तो खत्म हो गया, अभी तक आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर एनुअल डे की रिहर्सल चल रहे हैं, तो मिस पिंटो ने कहा कि जूनियर स्टूडेंट्स हैं, टू टेक केयर ऑफ देम। जरूर जरूर, यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम, प्रोसीड। थैंक यू सर। आराम से। बेटी हाँ? तुम भी अब इस कॉलेज की स्टूडेंट हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, यू विल एंजॉय, थिंक अबाउट इट, ऑल द बेस्ट। ये नहीं सोच भी करते हैं। अजय देख नई लड़की कॉलेज में, नहीं है ना ये? ओ पुरानी मॉडल, ए संभल के भाई, वरना गाने के बदले हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। अरे यूं ही खड़ी खड़ी शक्ल क्या दिखा रही है? ए कुछ गायकी भी की खड़े खड़े कांपती रहेगी। चल। खड़े रहे, इधर
कुत्ता का 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 हाँ एक काम कर, तेरे को बकबक करने का बहुत शौक है ना, कुछ बोल ही दे, चल बोल बोल, या हंस ले, हंस, वहां बैठकर हंस रहा था ना, हंस, या फिर तुझे रोना आ रहा है, वहां बैठकर किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, समझा? अगर तू किसी को हौसला नहीं दे सकता तो उसका मजाक ना उड़ा, चल आउट आउट। अब आप रिहर्स करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। साला कॉलेज की सिक्योरिटी है ना, इसलिए कुछ कर नहीं सका मैं, नहीं तो छोड़ यार, इनको फंसने दे फिर देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं सालों को, चल चल। Hi Ajay. Hi Bobby. How are you? I'm happy and gay. gay to samjha. But why are you happy, Bobby darling? Kyunki rehearsal mein Ajay ne un tuche warriors ke chakki chhuda diye. Bobby? Yes Tina didi. Tum phir ladkon se baat kar rahe ho? I'm sorry Tina didi. Hi Tina. Shut up. Chalo. Hey Popper. Ajeeb ladki hai yaar. Vicky, ajeeb nahi hai. Achhi ladki hai. अबे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं बुरा हूँ? विकी तू बुरा नहीं है, वो अच्छी है। चलना ए अभी ना। ए क्या विकी, तूने ही तो उसको धोखा दिया ना, बाहों में टीना, कमर में मीना, कांधों में लीना और सर पर हीना। यार तूने तो अपने अपने प्यार का एक जंबो सर्कस बना रखा है यार। अजय तू कहाँ जा रहा है यार? मैं जिम जा रहा हूँ। ठहरना यार। क्यों क्यों ठहरो? इस वनसंट बातें सुनने के लिए? तुम लोग यार पूरा दिन लड़कियों के बारे में बात करते रहते हो, तुम लोग बोर नहीं होते यार? और ये तो लगा ही रहता है टर 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 टर, और तुम लोग इसकी बातें सुनते रहते हो। हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय, तुम्हारा रिहर्सल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। नहीं नहीं प्लीज डोंट मेंशन दैट। उसके बाद उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, थैंक यू। तुम कॉलेज में नहीं हो राइट? लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम आर्यंस को बता देना। थैंक यू। आई एम सॉरी कि सबके सामने मैंने स्टेज पे ऐसा बिहेव किया। वो वॉरियर्स ऐसे ही हैं, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, उनसे बेफजूल बातें करते हैं। हाँ। लड़कियों के बारे में बात करना बुरी बात है, जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं ये भी गलत बात है, और इनका लड़कियों से बात करना ये ठीक है। ये ठीक है, तब से एक ही बात बोली जा रही और कोई बोर भी नहीं होता। मैं ये बोलता है टैटन करते हैं और खुद थैंक यू ऑलराइट, थैंक यू ऑलराइट। अबे साले अब जिम जाने के लिए देरी नहीं हो रही क्या? जा रहा हूं ना, जा रहा हूं ना। थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं सब ठीक कर दूंगा। कम 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 डार्लिंग, दीज आर माय फ्रेंड्स आर्यंस एंड गाइस दिस इज। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा यार। यार प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, पर प्यार बहरा भी होता है ये आज पता चला मेरे को। अजय यार फ्लोचा के हिसाब से स्वीटी का नंबर 3 है यार, और इस बात से वो बहुत नर्वस है यार, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी एंट्री लास्ट करवा दूंगा यार। सिंपल ना यार? नहीं
देख विकी, लाइट की रिहर्सल हो चुकी है, साउंड चेक भी हो चुका है, फ्लो चार्ट के हिसाब से सारे प्रॉप्स भी आ चुके हैं। अब कोई भी चेंज बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर देगा। ट्वीटी, स्वीटी, जो भी तुम्हारा नाम है, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। चलो यार, बहुत काम है। अजय ने स्वीटी के सामने तेरे इज्जत की टूटी फ्रूटी कर दी यार। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय। आपके कल के प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी है? मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? वो कल के प्रोग्राम के फ्लो चार्ट में मेरी एंट्री सेकंड है, क्या आप उसे लास्ट कर सकते हो? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लाइट्स की रिहर्सल हो चुकी है। या नो प्रॉब्लम, साउंड चेक हो चुका है। नो प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट के हिसाब से प्रॉपलेस की सारी तैयारी रेडी हो चुकी है। नो प्रॉब्लम, शो में कोई भी चेंज कंफ्यूजन कर देगा बाबा। ये सब प्रॉब्लम मेरा है, आपका काम हो जाएगा। थैंक्स। इट्स ओके। थैंक्स। नो, इट्स रियली ओके। थैंक्स। अरे अरे यार, ये चालू हो गया। अरे यार, ये विकी कहाँ गया? गया होगा ट्वीटी की फील्डिंग करने। पागल। तूने पीना रोक क्यों दिया? वो आजान हो रही है ना यार। तू मुझे एक बात बता, अजान की आवाज़ सुनकर तूने पीना तो रोक दिया, लेकिन तू क्या समझता है कि वो अपने बंदों को सिर्फ अजान के वक्त देखता है? नहीं, उसकी नज़र हमेशा अपने बंदों पर रहती है। और अगर तेरे दिल में उसका इतना एहतराम है तो तू छोड़ के नहीं देता? तू छोड़ना यार, तू छोड़ दे यार। रमन जी अंकल, कल तुम और चोपड़ा साहब अपने आप को फ्री रखना। आयशा पहली बार किसी फंक्शन में हिस्सा ले रही है। That's wonderful. That's my आयशा। Yep. चलो। अजय को देख, अजय को देख, बहुत खुश है। कैसी लग रही हूँ मैं इस जैकेट में? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका आर्यन ऑनर है। इट्स रियली नाइस जैकेट। हेलो, कैसी दिख रही हूँ मैं? तुमको ये जैकेट किसने पहने दिया? विकी। मैं? क्या बात कर रही है यार? अरे जैकेट पड़ा था, बोली पहन लूं, तो मैं बोला पहन लो। अब मैं क्या तुझसे अब... मैं बाद में बात करूंगा। तुम ये आर्यन का मतलब जानती हो? तुम और तुम्हारे दोस्त? नहीं, आर्यन हिंदुस्तान के पहले योद्धा थे, द फर्स्ट वॉरियर ट्राइब्स। उनमें जोश, हिम्मत और दुश्मनों से लड़ने की ताकत थी। क्या इनमें से एक भी गुण तुम में है? अरे अजय, इसको क्यों समझा रहा है तू? हाँ, इनमें से कोई भी गुण तुम में है? हाँ, है। अच्छा, तो एक काम करते हैं। कम ऑन, प्रूव योरसेल्फ, हिट मी, कम ऑन। अजय, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? क्यों, हिट मी, प्रूव योरसेल्फ। अजय, मैं आई कांट, प्लीज। तुम्हें जैकेट पहनने का बहुत शौक है ना? तुम सीधी तरह स्टेज पे खड़ी नहीं हो सकती, और तुम्हें जैकेट पहनना है? हाँ, come on, prove yourself, hit me. अजय, I can't hit you, please. मैं नहीं मार सकती। क्यों, क्या? क्योंकि तुम लड़की हो? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन या तो फिर डरती हो?
देखो तुम एक डरीवी सी सेमी सी लड़की हो जिसको ये जैकेट पहनने का कोई हक नहीं बनता। देखो जय, okay? मुझे नहीं मारना है प्लीज। ये जैकेट निकालो और देन प्रूव योरसेल्फ। हिट मी, कम ऑन, हिट मी, कम ऑन, हिट मी और देन टेक ऑफ द। अजय, 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 क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? अरे उसी ने तो कहा था मुझे मारने के लिए। अरे वो तुम्हारी बहादुरी पेट पर आजमाना चाहता था मिस योद्धा, तुमने सबके सामने मुंह पर चिपका दिया। ओह नहीं, ओह नो। अजय, I'm really sorry, अजय. Jacket. तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा हाथ काफी भारी है। प्लीज अजय, मुझे तुम्हारी बात अब समझ में आई कि तुम मेरे अंदर हिम्मत जगाना चाहते थे और मैंने तुम्हें सबके सामने चिपका दिया। चलो तुम्हें बात समझ तो आई। फ्रेंड्स, अजय चलना यार, लेट हो रहा है यार, पिकनिक पे जाना है यार। चलना यार, हॉस्टल जाके चेंज भी करना है। हाँ यार, टेक केयर और अपना हाथ संभाल के रखना। यार मेरी बात सुनो यार। क्या बोल? एक काम करते हैं, आयशा को भी बुला लेते हैं। आयशा, आयशा चलो चलो पिकनिक चलते हैं। आई लव टू पिकनिक। चलो चले। हाँ हाँ, ए ब्रदर आर्यंस, आज अच्छा मौका है उस दिन के अपमान का बदला चुकाने का। क्यों? चलो। ए आर्यंस, यू वांट टू बैटल अस फॉर अ गेम ऑफ रग्बी? एनी टाइम। नो ब्रदर, नेक्स्ट टाइम। ए अजय, आज मूड भी है और जोश भी। चलो इनके जोश को होश में बदलते हैं। बैठ जा, बैठ जा, पहले तू तो होश में आ, चल बैठ। क्यों आर्यन, ग्रुप में लड़की के आगे सबने चूड़ियां पहन ली क्या? बहुत हो गया, इट्स टू मच, लेट्स गो। अरे कम ऑन फूजी गाइस, कम ऑन मैन, कम ऑन। तुम क्यों नहीं जा रहे हो खेलने के लिए? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? ये तो होना ही था। तुम जानती हो वॉरियर्स कॉलेज की रग्बी टीम है। नहीं अजय, आर्यन हमारी दोस्त है, मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ। तुम उनका साथ दो या फिर मैं जाती हूँ खेलने के लिए। तुम? हाँ जाओ। ओके। ये भी। Hi guys, I've come to join the game. अजय कहाँ है? अजय, मैं हूँ ना खेलने के लिए। Ladies,
first. Are you all right? Huh? Oh shit. Oh, what is this, Ajay? This is cheating. This is not done. Romat, problem bata. Dekh Ajay, jab tum 5 khel rahe the, to hum bhi 5 khel rahe the. Ab tum 6 ho, to hum bhi 6 khelenge. Theek hai. Get the gear, man. Go. Billy! Ye kaun hai, be? अरे कोई भी हो, पिनी पिनी लिमी टिमी, जो भी है हमारे है ना, क्या कम है हमारे, देख लेंगे हम सबको. पिनी 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 हट पिनी पिनी. मेरा नाम है पिनी. अरे बचाओ, अरे अजय, अरे विकी, कहाँ अपने दोस्त को छोड़ के जा रहे हो? अरे अरे अजय, ये पिनी है बिल्डिंग यार, देख ना. इज्जत बचानी है ना. हाँ, तो फिर खेलना पड़ेगा. हे वॉरियर्स, अब गेम तुम शुरू करोगे और हम खत्म. लेक्चर का टाइम हो गया यार. छोटू क्या कर रहा है टॉयलेट में इतनी देर से? लगता है हमारा छोटू बहुत बड़ा काम कर रहा है. ये लोग कौन है यार? पहले तो कॉलेज में कभी देखा नहीं इनको. ओह गॉड, सर सर, छोटू कैंटी में जख्मी पड़ा है, आप जल्दी पहुंचिए. अरे कोई पानी लाओ.
बाहर निकल, चल निकलना। फटके पड़ रहे हैं। वॉरियर्स, तुम्हें आरएस की मदद करनी चाहिए। ए चल रे चल, इन लोगों की मदद हम क्यों करें? क्यों करें मदद? कॉलेज की सिक्योरिटी आरएस हैं हम। हाँ, आज इनकी सारी हेकड़ी निकलेगी। आज तो अजय भी नहीं है। अरे इतना फोर सालों को कि खुद अपनी शक्ल आईना ना पहचान पाए, साले हीरो बनते हैं मक्कू दाने। अरे पत्थर मार इसको। अरे चल। इन लोगों ने छोटू को बहुत मारा है। बहुत हीरो बनता है तू। नहीं अजय, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे अकेले में मारा है, और अब तो ये खुद अकेला है, कमजोर और निहत्ता। और अगर मैं इसे अब मारूंगा तो इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? अजय छोड़ दे इसे, अजय छोड़ दे। देखा, देखा तूने? हाँ हाँ। मेरे दोस्त, तेरा नाम छोटू है, आज तूने सच में बहुत बड़ी बात कह दी। इसीलिए तो नाज है मुझे आर्यंस पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। कम, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अजय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं।
तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब भी देखो लड़ाई मारपीट, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। और तुम जानना चाहते हो क्यों? जब मैं 14 साल का था तो मेरे माँ बाप एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए और मैं बहुत अकेला पड़ गया। जिंदगी आगे बढ़ी और फिर मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। यहां मुझे मेरे दोस्त मिले, अब मैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ, हंस लेता हूँ। अजय, इस दुनिया के सफर में दोस्तों के साथ साथ एक हमसफर की भी जरूरत होती है, और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू आयशा। प्यार करना, इजहार करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल। मैं समझी नहीं आयशा। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। मेरी दुनिया में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अजय, ठीक कहा तुमने, मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे सब कुछ तुम हो, और मैं तुम्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खोना नहीं चाहती। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है बिन तेरे, कुछ नहीं है। अच्छी घड़ी है यार। यार, ये घड़ी आशा ने बहुत प्यार से दी, मैं ना भी नहीं बोल पाया, लेकिन अब उसके लिए भी तो कुछ खरीदना पड़ेगा। अब समझा, वक्त खराब है, मतलब तू कंगाल है। हाँ यार। हाय अजय। हाय बॉबी, कहो क्या बात है? जो दलेर पाजी है ना, तारा रा वाले, उनको मैंने बुक किया था, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने सारा का सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम आरएस लोग मेरी बहन की शादी में आओ, नाचो गाओ, मस्ती करो, तुम मचाओ। अबे ओए, हम लोग तुझे कोई तवायफ लगते क्या, जो तेरी बहन की शादी में आके नाचेंगे और गाएंगे? हाँ, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। पैसे? हम लोग की भी कुछ इज्जत है, समझा? निकाल, चल। प्लीज अजय, सुना ना तूने, चल आउट। तुम लोग भी इडियट हो यार। तेरा मतलब क्या है? 10 मिनट पहले सोच रहे थे पैसे कहाँ से, जब पैसा खुद सामने से चलकर आ रहा है तो ठुकरा दिए। एक मिनट, तेरा मतलब है हम पैसों के लिए बाढ़ बन जाए? मेरा मतलब ये तो नहीं है, लेकिन प्यार में करना पड़ता है। ये कहाँ के फंस गए यार? अच्छे खासे कॉलेज के रॉक बैंड से भान बन गए। अरे यार, ये पोकर का डिस्कशन छोड़ो, खाना खाओ, पैसे लो और निकल लो। वैसे भी हमें यहाँ कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। मर गए। इससे बदतर क्या हो सकता है यार? सामने देख। उसने मैं देखा तो नहीं? नहीं, वो इस तरफ तो नहीं आ रही ना? नहीं, बाल बच गए यार। नहीं, हैं? हाय गाइस,
यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो प्यार में करना पड़ता है। प्यार में करना पड़ता है किसके? अजय, ये सब क्या है? वो हम लोग सब ए आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डैडी वहां बुला रहे हैं। ठीक है चलो। भाग गए यार। बहुत हो गया यार, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ यार, चार घंटे से बजा रहे हैं हम लोग, पता है? अरे तुम लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ, बजाती क्यों नहीं? इले, अब तू ही बजा पुंगी। अरे चल जा, क्या कर रहे हो? पुंगी। आयशा बेटी, मिस्टर खन्ना की तरह हमें ऐसा दिन कब नसीब होगा? पापा आप भी। वर्मा साहब, हमारी बेटी आयशा बहुत शर्मीली है, लड़का तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारी बेटी आयशा। क्या बात है आयशा? जी कुछ नहीं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज के दोस्त? तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके साथ रहो, मजे करो। थैंक यू। फरमा साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। थैंक यू चोपड़ा। एक्सक्यूज मी चोपड़ा साहब, आपको खन्ना साहब ने याद किया? ठीक है, मैं अभी आया। जी क्या रही हूँ चोपड़ा, असरियत बा। Thank you. See you later. Hi Ajay. Hi. तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तीन बार खाना खा रहे। Oh, hi. और सदा? वाह, लिक्विड डाइट पे। और तुम यहाँ अकेले किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई इतराज है तो सबको यहाँ बुला लो। अजय ये बात नहीं है। मैं एक बात पूछूं, ये प्यार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैं कुछ समझी नहीं। बात ये आयशा की है, मुझे भी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था और एक अच्छा मौका था, कुछ पैसे कमा लेता मैं, लेकिन अब तो। अजय तुम्हारा ये एहसास ही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक्स। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर खन्ना पापा की बहुत पुरानी दोस्त है और मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ? कहाँ है वो? वहाँ। कौन वो खंबा? अजय तुम भी। अरे कहाँ था यार तू, मैं खुद अपनी ड्रिंक बना रहा हूँ, काम करने का शौक नहीं है क्या? चल एक ड्रिंक बना फटाफट। सॉरी। माफी की कोई जरूरत नहीं। वन विस्की ऑन द रॉक्स। व्हाट? वाटर के साथ नहीं, ऑन द रॉक, आइस बर्फ, ठंडा ठंडा, कूल कूल। अरे अरे कहाँ जा रहे, कब से इंतजार कर रहा हूँ, दूसरे को देगा तू? अरे यार ये क्या बदतमीजी है, इसको चढ़ गई है यार। कौन हो तुम? हटो, अरे चलो, फॉर गॉड सेक। दारू पी रहे हैं, रिस्क किया। एक मिनट रुक। इल्ला ने मैनेजर। क्या तुम टिया से मिली हो? नहीं। मिल लो, आई विल सी यू इन अ मिनट। ओके ओके। क्या हुआ? लगता है फिर से कोई लफड़ा कर दिया है। आइए इधर आइए, जरा अपने इस वेटर को समझाइए, मैं कब से ड्रिंक मांग रहा हूँ, ये मुझे देने के बजाय ड्रिंक गिरा दिया। एक मिनट, तुम मुझे अब तक वेटर समझ रहे थे? नहीं तो क्या, मैनेजर समझू? लिसन जेंटलमैन, ये वर्मा साहब है, इस शहर के जाने माने रईस। कदे ये कैसा इंतजाम है आप लोगों का? इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो होना चाहिए आपका।
क्या बात है? अरे कोई रईस आदमी है यार, मैंने गलती से वेटर बोल दिया। तू भी ना यार। सर इसे गलती हो गई, आप माफ कर दो। शर्मे की भी हद होती है, ये कोई तरीका है माफी मांगने का? चल चल भड़क रहा है, माफी मांग ले। अंकल सॉरी। बदतमीज लड़के, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हारी इस गलती को माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी ये बदतमीजी ने साबित कर दिया है कि तुम हमारे जैसे खानदानी नहीं हो, या तो फिर तुम्हारा कोई खानदानी नहीं है। ऐसी हरकत सिर्फ एक लावारिस या यतीम ही कर सकता है, या तो फिर तुम एक घटिया परवरिश का नतीजा हो। ना गेट ऑफ फ्रॉम हियर, गेट ऑफ, गेट ऑफ। हे, हाथ उठाओगे मुझ पर? मारोगे मुझे? मुझे मारोगे तुम? नहीं सर, मेरा बायां हाथ उठा है सिर्फ आपको रोकने के लिए, लेकिन अगर मेरा दायां हाथ उठ जाए तो फिर मुझे आपको ही रोक नहीं पाएगा। स्टॉप इट, बहुत हो गया, आउट। अजय, आयशा तुम इन लड़कों को जानती हो? जी यही मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। घर जाके बात करते हैं, चलो। देख रहे हैं अजय, सब लोग देखकर हंस रहे हैं। सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। क्या बात करनी है? देखो अजय, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गलती सदा की थी। देखो आयशा, सदा से गलती हुई है, लेकिन वो अनजाने में हुई थी। लेकिन जो गलती तुम्हारे पापा के दोस्त ने की, उसके लिए अपना बायां हाथ नहीं अपना दायां हाथ उठाना चाहिए था। अजय, ये गुस्सा ही तुम्हारी कमजोरी है, बात बात पर हाथ उठा लेते हो। बात बात पर? उसने मुझे यतीम कहा, अनाथ कहा, बुरी परवरिश का नतीजा कहा, और तुम्हें सब बातें लगती हैं? अब तुम ही बताओ कि जो कुछ भी मैंने किया वो सही किया या गलत? देखो अजय, पहली बात ये है कि जैसे अनजाने में सदा से गलती हुई, वैसे अनजाने में उनसे भी गलती हुई होगी, क्योंकि पापा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कल तुम्हारी और पापा की मुलाकात हो जाती, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे कल के बर्ताव को लेकर पता नहीं अब पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और तीसरी बात, मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ जिसका कल के हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अजय, मैं समझती थी
कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि गलती फिर किसी से भी हो बस एक मुस्कुराहट ही काफी होगी सब गिले शिकवे मिटाने के लिए। लेकिन आज अजय तुमने सबके सामने अपने दोस्तों के सामने हमारे प्यार का मजाक उड़ाया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब तुम ही कहो क्या सही है और क्या गलत। क्या बात है यार, आज अजय नहीं दिख रहा। वैलेंटाइन डे इज फॉर लवर्स नॉट फॉर फाइटर्स। तू भूल गया इनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ है? सॉरी। अरे वो अजय वही ना जो लफड़े झगड़े मारा मारी यही सब तो करता रहता है ना वो। और ये बेचारी मैडम उसको प्यार सिखाने चली थी। पर जो भी हो आज के दिन अजय को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए था। वैलेंटाइन डांस बट नो वैलेंटाइन। हमें ना, ना यार हमें ना यार, हमें यार, हमें यार। भी चोपड़ा साहब। ये भाई चोपड़ा साहब आए हैं। आइए आइए आइए। अरे आइए चोपड़ा साहब, आइए आइए बैठिए बैठिए। क्या चोपड़ा साहब, काफी दिनों बाद आज हमारी याद कैसे आ गई? कोई खास मैटर वैटर है? हाँ छोटे, एक फैमिली मैटर है। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर वर्मा के बारे में जानते हो ना, उसकी बेटी इसकी शादी करवाना चाहता हूँ। एक लड़का बीच में टांग अड़ा रहा है। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो? वो आयशा के साथ ही पढ़ता है, कुछ अजय नाम है उसका। वो कोई कॉलेज की सिक्योरिटी में पता नहीं, हमारे हिसाब से तो गुंडा है वो, लेकिन आप लोगों से छोटा है। वो कोई आर्यन ग्रुप का है। क्या 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 बोला, क्या बोला? आर्यन ग्रुप। आर्यन आर्यन अजय। ये भाई ये वही छोकरा है जिसने मेरे को फटकाया था, मौत मारा था मेरे को भाई। उसने तेरे को मारा? हाँ। चोपड़ा साहब अब आपका दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो गया। छोटे। हाँ भजन। अगर वो आशिक है तो हम उसकी सुपारी नहीं लेंगे। भजन वो कोई आशिक वाशिक नहीं है, साला टपोरी है, अपने मुन्ना को फटकाया था। अब बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना भजन। ठीक है। ये आशिक वाला चक्कर क्या है? अपने पैसे उठाओ, काम करो। चोपड़ा साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, खत्म कर डालेंगे साले को। छोटे तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। शुक्रिया साहब। ये भाई। जिस दिन वो छोकरा मिला ना तो सबसे पहला फटका मैं मारूंगा। मैं मारूंगा पहला फटका। तू ही मारना। बहुत मारा मेरे को साले ने। अजय तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज तो नहीं? नाराज क्यों होंगे, मैंने सिर्फ कॉलेज की सिक्योरिटी छोड़ी है, उनकी दोस्ती नहीं। मेरा तुम पर भी कोई फर्ज बनता है। अजय अजय तुम यहाँ बैठे हो, वह बाहर से कुछ गुंडे आके आनिस के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अजय
मैंने तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने से मना किया था, अपनी दोस्ती निभाने से नहीं। आज तू बच गया क्योंकि मेरी इबादत का वक्त हो गया है, लेकिन तकदीर बार बार तेरा साथ नहीं देगी। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि तुम लोग कॉलेज पहुंच गए, मैं समझ गया कि मेरा काम हो गया होगा। अरे भाईजान को देखकर उसकी हवा टाइट हो गई होगी, क्या पटके पड़ोगे साले। देखो चोपड़ा, अब ये मेरा मैटर है। जब भी उस लौंडे का काम होगा पूरा होगा, और उसका गेम मैं बजाऊंगा। मैं समझा तू? छोटे, अगर भाईजान ने उसका गेम बजाया तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अगर उस लौंडे की मौत से हमारा नाम जुड़ गया तो वर्मा हमारे साथ रिश्ता कभी नहीं जोड़ेगा। अरे तेरी तो सुनता यार, तू रोक देना भाईजान को। भाईजान को रोकना नामुमकिन है। उस साले ने भाईजान को उनका खून दिखा दिया, अब वो तो गया। लेकिन हमारा क्या होगा? देख चोपड़ा, कल से रमजान शुरू हो रहा है और भाईजान 30 दिन तक सिर्फ इबादत करते हैं और हम लोग आराम। मगर जिस दिन ईद का चांद दिखाई देगा ना, उस दिन के बाद से वह लौंडा दिखाई नहीं देगा। 30 दिन यानी कि 1 month, 1 महीने तक वो आयशा से मिलता रहेगा? नहीं 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 नहीं, मैं खुद जाके भाईजान से बात करता हूँ। तू भाईजान से क्या बात करेगा? एक मिनट, समझा इसको। अजय यस पहले इसका गेम बचेगा। आई लव यू।
हाय सॉरी सॉरी दीदी ये है अजय हाँ हाउ क्यूट दीदी मुझे भी मिलवाओ ना ओके कम ऑन ये तुम्हारी ये मेरी छोटी बहन मिनी हाय मिनी हाय दीदी पूछो ना तुम खुद ही पूछ लो ना क्या हुआ आपका कोई छोटा भाई नहीं है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है झूठ आयशा दीदी है ना चल पगली स्कूल के लिए लेट हो रही है बाय 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 बहुत प्यारी है बाय ये हलचल जल्दी करना अरे काय दिमाग नहीं कर रहा ये बताओ तुम यहां कैसे अजय आई एम सॉरी आओ बैठो भूल गई तुम तुमने तो कहा था एक मुस्कुराहट ही काफी है सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए क्या हुआ जन भाईजान क्या हुआ क्या हुआ भाईजान अजय आई लव यू आई लव यू टू या तेरी चौथ का भाईजान इसको टपकाते ये मेरा शिकार है में जितना भी जीना है जी ले आयशा वो चला गया है अब कुछ नहीं होने वाला अब तो मेरा हाथ छोड़ो मुझे कुछ नहीं होने वाला चलो अजय काश तुम्हारी और पापा की मुलाकात अब होती तो कितना अच्छा होता तुम मुझे एक बात बताओ मैं तुम्हारे डैडी से मिल भी लूंगा उनसे माफी भी मांग लूंगा उनसे ये भी कह दूंगा आई लव यू और तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन क्या ये सब बातें तुम्हें नहीं कह पाओगी क्यों नहीं ऑफ कोर्स अच्छा बताओ कैसे मैं पापा से कहूंगी कि डैडी आए मुझे पता है पापा वाह डैडी का नाम सुनते ही तुम्हारी बोलती बंद हो गई अगर वो सामने आ जाए तो
मैं खुद आपके पास आना चाहता था। सुनो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, एक बार पहले भी तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज किया था मैंने, इस बार ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। गेट लॉस्ट। गुस्से से रिश्ते बनते नहीं सर, बिगड़ जाते। रिश्ते? मेरा और आयशा का रिश्ता सर। खबरदार, मेरी बेटी का नाम लेकर तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें रातों रात इस शहर से गायब करवा सकता हूं। I will kill you. छोटा बोल रहा हूं, वर्मा और अजय के बीच में लफड़ा हो गया है। एक मिनट छोटा। What the hell? बोल। वर्मा ने अजय को जान से मारने की धमकी दी है। मौका सही है, अजय का मैटर क्लोज कर दे। काम हम बजाएंगे, नाम वर्मा का आएगा। आखिरी बार सुन लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी बेटी के सपने देखना भूल जाओ। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने मेरी भोली भाली बेटी को फांसा है। फांसा है मैंने? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन मुझे इसी दिन का डर था और इसलिए मैंने आपकी बेटी को पहले से सब कुछ समझा दिया था। आयशा, कहो अपने पापा से कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आयशा, तुम होश में तो हो? डैडी, मैं भी अजय से प्यार करती हूँ। बदतमीज! वर्मा साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, आयशा बेटी तो नादान है, जहर तो इस सांप में है। अंकल, इसे मैं देखता हूं। क्या बे? हाँ? बोल, बोल ना। बोलता क्यों? बोल, बोल। ओह गॉड! क्या? अरे उठो, उठो। ठीक तो हो तुम? सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। साला बच्चे ने पास मारा साइको। आजी को छोड़ दो, प्लीज। प्लीज पापा, पापा उन्हें कहिए प्लीज। वर्मा साहब, इस जानवर के मुंह नहीं लगना। चलिए, चलो बेटा, चलो यहाँ से। प्लीज पापा, वो अजय को मारा है, मुझे छोड़ो प्लीज पापा, लेट मी गो प्लीज।
आशिक बनने का बहुत शौक है ना, वर्मा साहब की बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। चोपड़ा, आज जो कुछ हुआ है उस बात का मुझे बहुत दुख पहुंचा है। वर्मा साहब, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अपनी दिल की बात कहूं। कहो चोपड़ा, तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे दोस्त भी हो। वर्मा साहब, जब आपने हमें दोस्त कहा है तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मुझे सोचने का टाइम देना। रोक 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 निकाल। अब समझ में आया तेरे को वर्मा साहब की ताकत का अंदाजा? अबे साले, अब तो उसकी बेटी क्या, इस शहर की तरफ भी मुड़ के मत देखना, वरना इस शहर से नहीं इस दुनिया से ही। चले ये भाई, ये भाई बहुत मारा था मैंने, और देखो वो रहा अजय, 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 अरे अजय, 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 उठ अजय, हम लोग आ गए अजय, अजय, अजय उठ, क्या हुआ? अजय, अजय, दोस्त आ गए, अजय उठ, आंखें खोल, अजय, अजय, अजय उठ, अजय, अजय, अजय आंखें खोल, अजय, अजय, हम लोग आ गए, अजय क्या हुआ अजय, अजय, अजय उठ जा मेरे यार, संभल के, अजय संभल के, अजय संभल के, अजय, तो सिर्फ ये बता तो क्या करना चाहता है? मैं तुम्हें रातों रात इस शहर से गायब करवा सकता हूं। वर्मा साहब की बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कल का सबक भूल गए हो क्या? Get up! आयशा! अजय! वर्मा साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस लौंडे को चोपड़ा। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि अगर मेरा दायां हाथ उड़ जाए तो फिर मुझे कोई भी। अजय, सिक्योरिटी, अजय ये सब किसने किया? कोई अपना ही होगा। पापा, मैंने इसके बारे में जानता हूं ना कुछ जानना चाहता हूं। अंदर जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। जाओ आयशा, जाओ। इनकी बात मान लो, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही दिन है
ये हक जताने का, क्योंकि 24 घंटे के बाद तुम मेरी बीवी होगी और उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। अबे छोकरे, तू मुझे नहीं जानता और ना ही तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बस, आपको जो कुछ भी करना था वो आपने किया और आप जो कुछ भी करना चाहते वो आप शौक से कीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि जितना मैं इन 24 घंटों में तड़पाऊं उतना मैं आपको भी तड़पाऊंगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या इन्हीं 24 घंटों के अंदर मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने वाला हूं। आपको जो कुछ भी उखाड़ना है आप उखाड़ लो। देखते हैं, 24 घंटे तो क्या, मैं ये 24 जन्मों तक नहीं होने दूंगा। सर, अगर आप मुझे रोकने में कामयाब हो गए तो मैं यही समझूंगा कि आयशा का प्यार मेरी तकदीर में नहीं था, और फिर आप अपना बाप होने का हक आयशा पे पूरा जता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बात कह देता हूँ सर, क्या इन 24 घंटों में मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। चोपड़ा, मैं जानता हूं कि तुम किस कोशिश में हो, लेकिन कल 12 बजे से पहले मैं तुम्हारे हर सपने का बैंड बजा दूंगा। आयशा, मैं आऊंगा, ये मेरे प्यार का वादा है। और सर, आपके लिए चुनौती। इस लौंडे का वो हाल करूंगा। नहीं चोपड़ा, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे खुद ही पर उछलेंगे। घर की बात घर ही में रहनी चाहिए, और इससे पहले कि ये लड़का हमारे लिए कोई नई मुसीबतें खड़ी कर दे, हम चाहते हैं कि इन्हीं 24 घंटों में हमारी बेटी तुम्हारे घर की बहू बने। क्या? अरे वर्मा साहब, That's fantastic! Parma sahab, ye shaadi hai. Hello, chota bol raha hai. Bolna band kar aur karna shuru kar. Kaun? Chopra? Kya hua? Wo chokra laut aaya hai. Are kaun sa chokra? Are wahi jise tumne maar ke shahar ke bahar phenka tha. Sala. तो फिकर मत कर चुपड़ा, मैं भी अपने आदमी को बेचकर इसको उठवा के लेके आता हूं। हाँ, क्या दिन भर पीता रहता है यार, तेरे पैसे की पी रहा हूं क्या? टोकता रहता है। आर्यन लोग, आर्यन लोग, गाड़ी साइड में ले, साइड में ले।
नो। अबे ये तो भाईजान के लोग हैं। अबे भाग अजय 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 भाग 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 अजय भाग अजय 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 अजय। नहीं, मैं डर के मारे पीछे नहीं भागने वाला। अगर मेरे कदम उठेंगे तो मेरी मंजिल की तरफ, मेरे प्यार की तरफ। ठेला किसका है? अपन का सर। हटा दे। जी सर। सच कहूं अजय, आज पुलिस की वजह से हम लोग बच गए यार, वरना तेरे इन पैरों के चक्कर में हम लोगों को फटके पड़ जाते यार। मैं तेरी बात समझता हूं विकी, और मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ मेरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। और आगे चलकर भागना भी पड़े तो पीछे मुड़ के नहीं भागेंगे, भागेंगे तो आगे। आगे भागने से कोई फायदा नहीं है अजय। देख, अरे अजय कुछ तो समझदारी से काम ले, इतने सारे लोग हैं और वो भी हथियार के साथ, हम तो सिर्फ पांच हैं यार, और वो भी निहत्ते। अबे पांच नहीं, सिर्फ चार रह गए यार। सदा या बाबा हाजी अली, मैं जानता हूं कि आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, बेड़ा पार कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद कभी शराब नहीं छूऊंगा। या अली दरवेश, मदद मदद बाबा मदद। मोहब्बत करने वालों के मौला साथ है, ऐ दुश्मन तेरी क्या ताकत, तेरी क्या औकात है।
वर्मा साहब और भाईजान से कह देना कि मैं 20 घंटे से पहले मरने वाला नहीं। मतलब अरेंज्ड मैरिज, व्यवस्था विवाह। अजय अजय, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से भी बात हो चुकी है, उन्होंने कल सुबह 10 बजे मंदिर में बुलाया है। हेलो अजय, अजय ये तो सर की आवाज है। जी सर। अजय आयशा से बात करो। अजय। आयशा क्या बात है आयशा? अजय तुम्हारे जाने के बाद पता है क्या हुआ? आयशा वो जो कुछ भी चाहते हैं तुम वो सब करो, समझ गई ना? बस मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अजय क्या बात है, क्या हुआ? लगता है वर्मा साहब को ससुर बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी शादी की तैयारी करनी है। लेटेस्ट फैशन वेयर है। देखिए हमें आप अपनी सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन कलेक्शन बताइए। यूसुफ कल हमारी शादी है। ओके, हमारी शादी नहीं मेरी शादी। वॉशरूम दिस वे। एक्सक्यूज मी, अजय मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि जब मैं शादी का जोड़ा पहनूं तो सबसे पहले तुम मुझे देखो। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दुल्हन जैसी। अजय अजय अजय, मुझे सिर्फ दुल्हन नहीं बल्कि तुम्हारी दुल्हन बनना है, और वो मैं तब बनूंगी जब तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, ये दुकान अचानक खाली कैसे हो गई?
छोड़िए मुझे प्लीज, छोड़ दो उसे, छोड़ दो पापा, प्लीज रोकिए उन्हें, वो अजय कुमार है पापा, प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे प्लीज पापा, वो अजय कुमार है पापा प्लीज। क्यों दो थप्पड़ में आशिकी का भूत उतर गया तुम्हारा है? इंस्पेक्टर, इस आशिक को सिर्फ इतना मारना जितना तुम बाद में मार खा सको। अजय, 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 अजय। आयशा, चलो मेरे साथ। पापा छोड़ो, चलो। अजय, चलो। अजय, अजय, पापा छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे पापा, पापा छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। अजय। माथे पर क्या है? देखो आयशा, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल और अपने दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दो। क्यों बाहर तो बहुत घूर घूर के देख रहा था, सलाखों के पीछे हवा टाइट हो गई है? बच्चे तूने बहुत गलत लोगों से पंगा लिया है, टेंशन मत ले, मैं आशिक के दिल का हाल समझ सकता हूं, तुझे मैं यहां एक दिन रखूंगा जब तक वर्मा की लड़की की शादी नहीं हो जाती। इंस्पेक्टर, उसकी शादी तो होगी लेकिन सिर्फ मेरे साथ होगी। तू भूल देता है मेरे को, हाँ मेरे को तो भूल देता है, बहुत बड़ा आशिक बनता है तेरे को, मैं ठीक कर पाए। तू क्या बोला मेरे को, तू क्या बोला मेरे को, ए बहरा क्या तू, ए मैं तुझसे बात कर रहा हूं, ए तेरी तो आयशा, ये क्या बदतमीजी है, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता, हमारे सारे मेहमान हमारे घर हमारे खुशियों में शरीक होने आए हैं। पापा, ये सब आपके घर आपकी खुशियों में शरीक होने आए हैं। आयशा सुनो, पापा अगर मेरी खुशियों में आपकी खुशियां भी शामिल होती तो अजय सलाखों के पीछे नहीं होता। बेटी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई सोच कर कर रहा हूँ। पापा प्लीज लीव मी अलोन। देखो बेटी, उसी ने कहा था अगर 24 घंटे के अंदर वो नहीं आया। वर्मा साहब, 24 घंटे क्या, वो लौंडा तो 24 जन्मों तक नहीं आ पाएगा, हमसे उलझ रहा था बच्चा कहीं का। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम्हारे कहने पे मैंने उस बच्चे को बिना जुर्म के अरेस्ट किया, लेकिन वो बच्चा सबका बाप निकला, जेल तोड़ के भाग गया है। देखो मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ने का नहीं, क्या वो दोनों बालिग हैं, अब तुम संभालो। और सुनो, वो जो आशिक है ना, जो बोलता है वो करके दिखाता है। क्या हुआ चोपड़ा? वर्मा साहब, अजय जेल से भाग गया। कौन चोपड़ा अंकल? वही बच्चा? आपके पास अब भी 15 घंटे बाकी है, रोक कर दिखा दीजिएगा उस बच्चे को। आयशा, मैं अपनी सारी ताकत, सारी दौलत, अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, लेकिन इस छोकरे से हार नहीं मानूंगा। आपने ठीक ही कहा पापा,
आपके पास ताकत है, दौलत है, दांव पे लगाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप हार के भी क्या हारेंगे? ताकत, दौलत, लेकिन अजय के पास मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मैं ही उसकी सब कुछ हूं और वो हार नहीं मानेगा। कुछ भी हो ऐशा, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। वो आएगा पापा, और अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। भाईजान चांद मुबारक, मुझे सिर्फ इतना पता कि वो लौंडा मिलेगा कहां। छोटा बोल रहा है? छोटे, वो लौंडा लॉकअप तोड़ के भाग निकला है। अब मैं कोई चांस नहीं ले सकता हूं। कैसे भी हो उसका गेम बचा दे। छोटे, ये काम कर मेरे लिए और फिर देख, जिस कुर्सी के तू आगे पीछे घूमता है ना, वो तेरी होगी। भाईजान जैसे लोग तेरे लिए काम करेंगे। बस मेरे बेटे की शादी वर्मा की बेटी के साथ हो जाए। शादी के बाद मेरा बेटा वर्मा एम्पायर का मालिक बन जाएगा और मैं तुझे माला माल कर दूंगा। लेकिन अगर वो लौंडा कल शादी के मंडप तक पहुंच गया ना छोटे। देख चोपड़ा, उस लौंडे का गेम बजाने के लिए तुझे ना मेरी और ना ही पुलिस की जरूरत पड़ेगी। तुझे शायद पता नहीं कि अजीत का चांद दिख गया है। पर अब कल का सूरज भाजन उस लौंडे को देखने नहीं देंगे। तुझे अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर जा। ठीक है छोटे, ठीक है। छोटे, ये काम कर मेरे लिए और फिर देख, जिस कुर्सी के तू आगे पीछे घूमता है ना, वो तेरी होगी। भाईजान जैसे लोग तेरे लिए काम करेंगे। तो ठीक तो है ना? काहे का ठीक यार, आसमान से गिरे खजूर में अटके, उधर देख।
हट। मैंने कहा था ना कि जितना भी जीना है जी ले, अब तू मरा। भाईजान मैं तो आशिक हूं, सिर्फ एक बार मरूंगा। मैं तो आशिक हूं, मैं तो सिर्फ एक बार मरूंगा। मेरे वहां जाने से बात बिगड़ जाएगी। हाँ भाई जान, बात बिगड़ जाएगी। वो लोग बहुत शरीफ लोग हैं, डर जाएंगे। क्या बोला तू साले? दोनों भाई जान, डटो डटो। तू कहना क्या चाहता है? मैं बदमाश हूँ, गुंडा हूँ? अबे ऐसी गुंडे के गोद में पलकर बड़ा हुआ है तू? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, समझा? भाई जान, इसके सर पे प्यार का भूत सवार है। अरे आशिक है आशिक, छोड़ो ना। ये बच्चा है साला। नहीं भाई जान, आप वहां नहीं जाएंगे, उनसे कुछ नहीं कहेंगे, वरना वरना क्या बे? हाँ मैं कूद जाऊंगा। मुझको डराता है तू? हाँ भाईजान मैं कूद जाऊंगा। तू कूद जाएगा? हाँ भाईजान। तू यहाँ से कूद जाएगा? हाँ भाईजान। जा कूद जा, जा जा। मैं कूद जाऊंगा भाईजान। जा कूद जा ना, जा 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 जा। मैं कूद जाऊंगा। भाई बच्चा है भाई। मुझे डरा रहा साला। भाईजान मैं तो आशिक हूँ, एक बार मरूंगा, लेकिन मेरी प्यार की सच्चाई जानकर अब बार बार मरेंगे। डायलॉग मारता है साला। भाई ये क्या हो गया भाई? रहम अल्लाह रहम। इरफान 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 ये इरफान इरफान। ये क्या हो गया भाई? इरफान
मुझे तो तुम्हारे आयशा के घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सर, प्यार अपना रास्ता खुद बना लेता है। देखो अजय, तुम्हारी यही जिद की वजह से तुम आयशा को हमेशा के लिए खो दोगे। सर, अगर मैं अपना प्यार का वादा नहीं निभा पाया, उस तक नहीं पहुंच पाया, तो मैं अपने आप को खो दूंगा। अरे यही बात जंग की जगह प्यार से भी तो की जा सकती है। नहीं सर, जंग उन्होंने शुरू की थी, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। आप लोग, why don't you, आप लोग उसे क्यों नहीं समझाते? शायद आप लोगों की बात मान ले। All right, I have lost. चलो। अजय, तुमने जो उस दिन मेरी दीदी की शादी पे परफॉर्म किया था ना, क्योंकि तुम आयशा को वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट देना चाहते थे। ये लो, उस दिन का बकाया जो मैं आज तुम्हें दे रही हूँ। जिसके पास हो प्यार की अमानत, अब अल्लाह करेगा उसकी हिफाजत। ऐ मेरे मौला, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। आज तेरा ये बंदा तेरे सामने हाथ फैलाकर तुझसे मांग रहा है। आज से 5 साल पहले जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई थी, उसे माफ कर। जिस लड़के को तूने मेरा इरफान बनाकर मुझसे मिलाया है, उसे और उसके प्यार की हिफाजत कर। उसे अपने मकसद में कामयाब कर मौला। आमीन। ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। कई सालों के बाद आपके चेहरे पे सुकून दिखाई दिया। चलो मोहम्मद अली रोड जाते हैं, रज़ाक भाई के यहाँ दावत है। नहीं रहीम, आज नहीं, आज मुझे मेरे छोटे भाई को ईदी देने जाना है। नहीं अजय, हम हमेशा एक दूसरे के आमने सामने दुश्मनों की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन आज दोस्तों की तरह एक साथ दुश्मनों का सामना करेंगे। अजय,
आज हम सब तेरे बाराती हैं, इनका बैंड बजा देंगे। की इतनी हिम्मत, ये अंदर कैसे आया? आ तो गया है लेकिन मंडप तक नहीं पहुंचेगा। आज मैं तुझे रोकने नहीं, तेरा साथ देने आया हूं। नहीं अजय, इसका यकीन मत करना। ये क्या जाने प्यार क्या होता है? तूने ठीक कहा, मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई इरफान को खो दिया। वो भी एक सच्चा आशिक था और ये भी एक सच्चा आशिक है। जा। नहीं भाईजान, हम इस छोकरे को मंडप तक पहुंचने को नहीं देंगे। इसे जाने दे छोटे, ये सच्चा आशिक है। आज मुझे मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। जा। नहीं भाईजान। छोटे, बहुत हो गया भाईजान। ये सच्चा है या झूठा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी भाई तुम्हारा मरा था, मेरा नहीं, गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। जिस भाई को तुम ईदी देने आए हो ना, मैंने उसकी सुपारी ली है। बस ये छोटा तुम्हारे कुर्सी के आगे पीछे बहुत घूम लिया। पूछा के पहला पत्थर कौन उठाएगा, आवाज आई जो तेरा मोहसिन कहलाएगा। अंदर जाओ, अंदर। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग छुपड़ा पर जा, जा मेरे भाई।
अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। पंडित मुझे दो। ये क्या कर रहे हो पंडित? मैंने पहले ही कहा था, मैं व्यवस्था विवाह में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेम विवाह में विश्वास रखता हूं। सर, अब मैं भी अपने प्यार का वादा निभाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जब भी तुम लोगों ने वार किया है, पीछे से वार किया है, अब मैं तुम लोगों को यह मौका नहीं देने वाला। ए, तू इधर आ। सर, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। परवरदिगार, या तो मुझे अपने पैरों पर उठा दे या तो फिर इस दुनिया से उठा ले। न हुआ। वक्त के हिसाब से आपको दिव्य चुनौती और हमारे प्यार का वादा मैंने दोनों पूरा किया।
सोच क्या रहे हैं वर्मा साहब? खत्म कर दीजिए इसे। ये लावारिस गुंडा आपका दामाद बनने के लायक नहीं है। उठाइए बंदूक। फिनिश हिम। एक मिनट पापा। छोटे, वो लौंडा लॉकअप तोड़ के भाग निकला है। अब मैं कोई चांस नहीं ले सकता हूँ। कैसे भी हो उसका गेम बचा दे। छोटे ये काम कर मेरे लिए और फिर देख, जिस कुर्सी के तू आगे पीछे घूमता है ना वो तेरी होगी। भाईजान जैसे लोग तेरे लिए काम करेंगे। बस मेरे बेटे की शादी वर्मा की बेटी के साथ हो जाए। शादी के बाद मेरा बेटा वर्मा एम्पायर का मालिक बन जाएगा और मैं तुझे मारा मार कर दूंगा। लेकिन अगर वो लौटा कल शादी के मंडप तक पहुंच गया ना छोटे। अच्छा मजाक है वर्मा साहब, बची ये टेप मुझे दे दो। आओ बेटे। वर्मा साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वर्मा साहब मुझे समझाने का मौका दीजिए। मैं किसी को पहचानने में एक बार गलती कर सकता हूँ। देखिए वर्मा साहब, दूसरी बार नहीं। तुमने अपनी नस्ल बता दी है, तुम एक घटिया इंसान हो। अरे वर्मा साहब, और तुम्हारा ये बेटा पूरी परवरिश का नतीजा है। अजय नहीं, इससे पहले कि इस शुभ घड़ी में मुझसे कोई गलती हो जाए तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। वर्मा साहब देखिए, बेटी मैं तो यही चाहता था कि जो भी तुम्हारा जीवन साथी बने वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। अजय ने अपना वादा निभाकर मुझे हराकर यह साबित कर दिया है कि वो तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है। तुम दोनों की जोड़ी मुझे मंजूर है। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए। तेरी शक्ल में मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया और मुझे बड़ा। अजय! और बड़े भाई के साथ एक अड़ियाल ससुर भी। आइए भाईजान। अजय, मिनी को तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मिनी? जीजू नॉट फेयर, आप दोनों ने अकेले अकेले शादी कर ली, मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मुझे भी शादी करनी है। लेकिन अभी तुम बच्ची हो। लेकिन मेरा नंबर कब आएगा?